समाज की बागडोर को संभालने वाले जो हमारे महापुरुषों ने यहाँ जन्म लेके समाज की पीड़ा को उठाया और समाज की पीड़ा को उठाने के लिए वो उस पीड़ा को समाज के अंदर पहुँचाने का काम किया, ऐसे हमारे महापुरुष बहुत सारे हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और 21वीं सदी के महानायक माननीय कांशीराम साहब, ऐसे ही और भी हमारे बीच में ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और हमारे बीच में बरसों से, काफ़ी साल से, और अपना जो एक होदा था, इनका एक इंजीनियर होदा था, उसको कायम रखते हुए और समाज की सेवा करें। ऐसे ही हमारे बीच में ऐसे शख्सियत हैं इंजीनियर आरसी विवेक जी। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आज का जो प्रोडक्शन था, जो आज का धरना प्रदर्शन था, इसका क्या महत्व रहा। सर, आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, समाज की पीड़ा को देख रहे हैं और समाज के साथ में जो हो रहा है उस आंखों देख रहे हैं, आंखों देखी, जैसे कहते हैं कि आंखों से मैंने ये देखा है, तो सर ये क्या, ये समाज को उठाने के लिए हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए? देखिए, बाबा साहब ने एक बात कहा कि संविधान जो मैं दे रहा हूँ, ये देश के गरीब, शोषित, मजदूर, दलित, इनके लिए बनाया है। अगर इनको ये अधिकार नहीं मिलेगा तो संविधान का कोई फायदा नहीं। लेकिन इस देश के अंदर दो चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ संविधान है तो दूसरी तरफ सांप्रदायिकता है। उन्होंने कहा अगर सांप्रदायिकता ऊपर हो जाती है और संविधान नीचे हो जाता है तो ये देश बच नहीं सकता, संविधान बच नहीं सकता, डेमोक्रेसी बच नहीं सकती, सेकुलरिज्म बच नहीं सकता और इस देश की कोई रक्षा नहीं कर सकता और दोबारा कोई भी व्यक्ति इस जमीन पर अवतरित नहीं होगा, जन्म नहीं लेगा जो इसकी गुलामी को दूर कर सके। इसलिए मेरा देश के युवाओं से आह्वान है, सलाह है कि संविधान को बचाने के लिए अगर आपको अपनी जान भी देना पड़े, खून भी देना पड़े, तन भी देना पड़े, मन भी देना पड़े, धन भी देना पड़े, तो सब कुछ देकर इस संविधान की रक्षा करना, क्योंकि जब तक संविधान इस देश में रहेगा तब तक मैं जिंदा रहूँगा और जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन मैं भी नहीं रहूँगा और ये देश भी स्वतंत्र नहीं रहेगा।